हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स एक्ट। तो बेसिकली आज जो है वो हम एक सॉन्ग यानी कि एक कम्बिनेशन ऑफ सॉन्ग पे एक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें जो है वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दोनों सॉन्ग देखने को मिलेंगे। और वीडियो का टाइटल है पाक बंगला सॉन्ग बंगला सबटाइटल। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज की बात नहीं है, ये रिश्ते हैं सदियों के। तेरी गंगा मेरा सिंधु दोनों है अपने। दरियाओं में नीला पानी, रगों में सब्ज लहू, मीठी बोलियां फैली बाहें, चाहत के जज्बे। चाहे आंधी आए रे, चाहे मेघा छाए रे, कुछ भी हो ये सफर कभी रुकने ना पाए रे। That you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. Doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. वो सरजमी बनी मिल्लत के अज़्म की तर्जुमान, वो जिससे उभरी हिंद के मुसलमानों की पहचान। एक शेर ने मिल्लत का फैसला दुनिया को सुनाया, और एक मादरे मिल्लत का दस्तो बाजू कहलाया। दिल में बसे ये रिश्ते कोई कैसे भुलाए रे, चाहे आंधी आए रे, चाहे मेघा छाए रे, कुछ भी हो ये सफर कभी रुकने ना पाए रे। It is only the vested interest who want to divide the people of East or West Pakistan. Tareekh ek nazariya bhi ek, apni pehli pehchan bhi ek, ek Allah hai, ek Nabi, ek Deen hai aur Quran bhi ek. Naam badal jane ka kya, badle nahi main aur tu, kaun badal sakta hai jazbe, soch irade rooh. तेरा दिल धड़के तो मेरी सांस चलाए रे, चाहे आंधी आए रे, चाहे मेघा छाए रे, कुछ भी हो ये सफर कभी रुकने ना पाए रे। हमारे बंगाल के जितने बुजुर्ग हैं उनका पाकिस्तान बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार है। तो इस पूरी वीडियो में जो है वो हमें सॉन्ग से साथ साथ जो है वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जगहों के बारे में भी देखने को मिला। जैसे कि बहुत छोटी छोटी क्लिप्स में हमने देखा है कुछ सीन्स वो बांग्लादेश के दिखा रहे थे, बीच में कुछ पाकिस्तान के, और वो व्यूज़ कितने अच्छे लग रहे थे देख के। हाँ, पाकिस्तान में जैसे कि उन्होंने सबसे पहले जो है हिस्ट्री के नामवर लोग जैसे कि कायद आज़म फातमा जीना, जो उनकी बहन थी, मादरे मिलत भी कहते हैं उनको, वो सॉन्ग में भी था लाइन में। और मतलब एक क्लिप्स में उन्होंने क्लिप जो क्या कहते हैं प्लेसेस थी उनको दिखाया, कुछ बांग्लादेश की, कुछ पाकिस्तान की। बांग्लादेश की उसमें एक वो कर्जन हॉल था, और उसके अलावा लालबाग फोर्ट जो कि ढाका में है, और बादशाही मस्जिद भी देखने को मिली। और इसके अलावा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिल के जो इनिशिएटिव्स होते रहे हैं, या जो कॉलेजेस बने हैं उनके बारे में भी साथ साथ हमें हिस्ट्री की डेट्स का भी बताया कि इस सन में ये बने। और ये सॉन्ग ओवरऑल कितना अच्छा था कि इसमें दोनों कंट्रीज़ के बारे में जो एक यकजहती और जो उनके आपस में कोऑपरेशन है उसको देखने को मिला, रिलीजन वगैरह का भी देखने को मिला। जैसे कि हमें पता भी है कि मोस्ट प्रोबेबली जो 80-90% है बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों मुस्लिम्स हैं। और उसके अलावा उन्होंने हमें जो है वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह दिखाई और जगहें जो फेमस। इस सॉन्ग में कुछ क्लिप्स में हमें उनका कल्चर और फेस्टिवल्स वगैरह भी देखने को मिले। तो ओवरऑल सॉन्ग हमें बहुत अच्छा लगा, और इसमें हमें दोनों कंट्रीज़ के बारे में जो कंट्रीब्यूशन हुई और उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको देखने में को नज़र आया, और हमें ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमें इस तरह की बाकी मज़ीद आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो इस हवाले से वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।